महंगाई जो है, पहले डाइन नज़र आती थी, अब महंगाई जो है इनको महबूबा और भौजाई नज़र आ रही है, इनको महबूबा और भौजाई नज़र आ रही है। कल तक जो महंगाई डायन कही जाती थी, आज वो महंगाई इनकी महबूबा हो गई है। ये बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार को लेकर के कही है। उन्होंने जमकर अपनी भड़ास निकाली है और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आपको दिखाते हैं। दाम कम नहीं हो सकते हैं। किसके? नहीं, तो हम तो पहले भी बोलते थे इन लोगों को, जो महंगाई जो है, पहले डाइन नज़र आती थी, अब महंगाई जो है इनको महबूबा और भौजाई नज़र आ रही है। प्रतिदिन जो है डीजल पेट्रोल महंगाई जो है, कीमतें जो है बेतहाशा बढ़ती जा रही हैं, बढ़ाई जा रही है। और ये इससे मिडिल क्लास फैमिली, गरीब किसान, सब लोग जो है परेशान हैं। आर्थिक नुकसान लोगों को पहले से ही हो रहा था कोरोना को लेकर के, और महंगाई होने के बाद जो है और पूरी तरीके से ये चौपट हो रहा है पूरी तरीके से। सरकार को ध्यान जो है गरीबों, किसानों, नौजवानों, बेरोज़गारी, इन सब चीज़ों पे नहीं है। इन सब लोगों को जो है अपनी राजनीति अपने हिसाब से जो है अपना एजेंडा सेट करने लगा। आपने सुना तेजस्वी यादव को, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि बिहार में महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है, लोगों का जीना दुभर हो चुका है, बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है, खाने तक के लारे पड़ गए हैं, खाना खरीदने से लेकर के उसे बनाने तक में महंगाई सामने आ रही है, लोग भूखे मर रहे हैं। लेकिन सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। तेजस्वी यादव ने इस बार केंद्र सरकार को भी खूब आड़े हाथों लिया है और कहा है कि गैस सिलेंडरों के दाम अब दुगने हो चले हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, डीजलों की कीमत बढ़ रही है, खाद्य पदार्थ, तेल, नमक, सभी चीजें महंगी हो गई है, लेकिन सरकार बेखबर है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि उन्हें अखबारों से ये जानकारी मिलती है, उन्हें अपने राज्य के लोगों की कोई चिंता नहीं है, वो सिर्फ ढोंग रचते हैं। तेजस्वी यादव ने इस बार केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार सरकार को भी महंगाई को लेकर के खूब आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह की आज पुण्यतिथि है, इसके मौके पर आज तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुए हैं। इससे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की और सरकार को खूब आड़े हाथों लिया और जमकर अपनी भड़ास निकाली है। तो इन्हीं तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।